हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर, अभी तो कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज रोज बम धमाके हो रहे हैं, कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे, कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी दो चार घंटे के लिए, कल रात से पानी गायब है यहाँ पे, हम लोग कल का खाए हुए, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया, कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में, कल रात से ही पानी गायब है, टॉयलेट जाने के लिए ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया, यहाँ से बॉर्डर जो है काफी दूर है, यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है, 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में, 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में, हम लोग यहां से खुद से नहीं जा सकते हैं, हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवे की कोई फैसिलिटीज है, रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है, स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है, इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला अभी तक, यहां से नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का अभी तक हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी रशियन बॉर्डर पे।